फ्रेंड्स आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल अपने जेठानी के पास, इसीलिए मैं तैयार हुई हूँ। वैसे मैं तैयार कम ही होती हूँ। छोटी सी मैंने ये बिंदी लगाई है, बस लिपस्टिक लगाई और मैं कुछ नहीं लगाती, मैं सिंपल रहती हूँ बस। तो चलिए आज मैं आपको अपने ससुराल वालों से मिलाऊँगी, तो निकलते हैं घर से। बाय बाय। राम राम जी सबको। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और ठीक ही रहिए। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अपनी ससुराल में, अपने जेठानी के घर में। ये हमारे आस पड़ोसी हैं, बच्चे हैं उनके, हमारे घर में आते हैं खेलने के लिए। रौनक लगी रहती है देखियो मेरी जेठानी के घर में। ये अनु है। हम पहुंच गए हैं फ्रेंड्स, जस्ट पहुंचे अभी। ये मेरा भतीजा है, ये मेरा एक और भतीजा है लंबू जी, भी चाय बना रहा। देखो चाय बन रही है अभी। ये मेरी जेठानी जी है भाई, एक ही जेठानी है मेरी, एक तो भगवान ने छीन ली, हम ही दो रह गई बस। ये इनकी किचन है, फेवरेट किचन जो लेडीज़ की होती है ना, हर एक लेडीज़ की फेवरेट क्या चीज़ होती है? किचन, क्योंकि वो सारे दिन किचन में घुसी रहती हैं। ये मेरे जेठ जी लेटे हुए हैं, ये तनु ये बनियान वाला 7 फुट लंबा, ये मेरा भतीजा है। देखिए ये महफिल यहाँ लगी है बच्चों की। वो भाग गया अनु, छुप गया। देखो निखिल, तो बाय बाय करो ना, हाय करो, हाय करो, तू भी कर हाय। ये भैया हमारे बच्चे हैं, इनके बिना हमारा घर सूना रहता है। आप लपछाओ भाजी, वो दुपट्टा है नाल है ना। ये देखो जी, रूबल हमें मैंगो शेक बना के पिला रहा है। बेड के ऊपर हम मैंगो शेक बनाते हैं। फ्रेंड्स हम ना अकेले अकेले किचन में बिल्कुल नहीं घुसते, हम परिवार के बीच में ही बना के खाते हैं। ये सब मैंगो शेक पीने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए अपनी अपनी कतार में बैठे हैं। ये देखिए देखिए जी, मैंगो शेक तैयार हो। मैंगो शेक पी रहे हैं भैया। आपां नूं भी दो ना, मैं तो फुल है टैंकी अपनी। फ्रेंड्स देखिए यहाँ हो रहा है गोलगप्पे का। फ्रेंड्स खाइए गोलगप्पे। ओए किस तरह के बने गोलगप्पे? बिल्कुल स्वाद है नहीं? देखो कैसे कह रहे हैं, रूबल स्वाद है।
बेकार बिल्कुल नहीं है। मैं बोल रहा बेकार बिल्कुल नहीं है। मैं कुछ नहीं जाएगा। हाँ खान आ लियो पर रोई ना जे याद मेरी आई ये देखिए जेठानी जी झाड़ू मारने में लगे, बच्चों ने बहुत गंदगी फैला दी है। मैं वीडियो बनाने में लगी हूँ भी, अपना मैं व्लॉग तैयार कर रही हूँ। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग का करती हूँ एंड। लव यू अलॉट, बाय बाय। नहीं भाई मैनू मिर्चा लगनी है, इस मैं करारा पाया या एना करारा नहीं मैं खाती। तेनू स्वाद है, पानी स्वाद है, मेन पानी दा दसो। बच्चों को टेस्टी लगा भी सब कुछ। फ्रेंड्स देखिए यहाँ हो रहा है गोलगप्पे का। फ्रेंड्स खाइए गोलगप्पे। ओए किस तरह के बने गोलगप्पे? बिल्कुल स्वाद है नहीं, देखो कैसे कह रहे हैं। रूबल स्वाद है? बेकार बिल्कुल नहीं है। बोल रहा बेकार बिल्कुल नहीं है। मैं कुछ नहीं जाएगा। हाँ खान आ लियो पर रोई ना जे याद मेरी आई। ये देखिए जेठानी जी झाड़ू मारने में लगे, बच्चों ने बहुत गंदगी फैला दी है। मैं वीडियो बनाने में लगी हूँ भी, अपना मैं व्लॉग तैयार कर रही हूँ। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग का करती हूँ एंड। लव यू अलॉट, बाय बाय। नहीं भाई मैनू मिर्चा लगनी है, इस मैं करारा पाया या एना करारा नहीं मैं खाती। तेनू स्वाद है, पानी स्वाद है, मेन पानी दा दसो। बच्चों को टेस्टी लगा भी सब कुछ।
फ्रेंड्स, ये मेरे ससुराल का ब्लॉग है। ये सामने ना एक प्लॉट है हमारे, ये मॉडल टाउन का एरिया, लुधियाना के मॉडल टाउन का एरिया है। ये बहुत ही भरी आबादी वाला एरिया है, ये सांस भी यहाँ लेना मुश्किल है। ये हमारा मैंने जैसे बोला था कि मेरे हस्बैंड हलवाई का काम करते हैं और हमारा टेंट हाउस का काम भी है। ये उसका सामान पड़ा है हमारा, आजकल बंद है बेचारा, आजकल काम नहीं है इसीलिए है ऐसा। ये दीदी आ गए हैं ऊपर पूजा वूजा करके। फ्रेंड्स, ये मॉडल टाउन का एरिया बहुत ही, मतलब लुधियाना का बहुत ही माना हुआ एरिया है। ये देखिए, मेरे उधर तो आपको कोई ना कोई प्लॉट वगैरह दिख जाएगा। यहाँ ये एक सामने एक प्लॉट है, ये भी इसका कोई झगड़ा वगड़ा है इसीलिए है ये। इसमें देख पेड़ पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पर उजाड़ सा बना हुआ केस चल रहा है इसका। ये सारे मार्केट ही है सामने, देखिए ये, देखिए ये सामने, मतलब इतनी भीड़ रहती है हमारे घर के पास, देख रहे हैं आप। ये हम सिटी में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी है, धूल भरी ज़िंदगी, पोल्यूशन भरी ज़िंदगी है हमारी। ये देखिए क्या हाल है। मैं ये देखो रूबल लगा गेम खेलने कंप्यूटर में, ये रूबल का रूम है। मैं ए हेवन पे खेल रहा हूँ, ये इसका रूम है फ्रेंड्स रूबल का। ये सामने एसी लगा है, ये एसी का रूम है, ये इसकी अलमीरा पड़ी है। ये देखिए गेम खेली जा रही है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है फ्रेंड्स। वो देखिए सामने बादल छाए हुए हैं, वो देखिए बादल छाए हुए ऊपर, बड़ा अच्छा मौसम हुआ, बड़ा सुहाना सा। ये इनके लगाए हुए ग्रीनरी के लिए, जैसे मैंने घर में लगाए हैं ऐसे इन्होंने भी लगा रखे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ शहरों में ऐसे, मतलब अपनी छत पे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। वो सामने क्यारी है, ये देखिए वो सामने देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत प्यारा सा व्यू है फ्रेंड्स। अब बताइएगा, मैं बहुत, मतलब 2.5 महीने बाद मैं अपने घर से बाहर निकली हूँ फ्रेंड्स। मुझे बाहर आने की इजाज़त नहीं थी बिल्कुल भी, मैंने बताया था ना कि वो मेरी बीमारी की वजह से। वो सामने पुलिस चौकी है जहाँ मेरे अनुतनु यहाँ से पत्थर फेंका करते थे जब छोटे छोटे थे। ये देखिए छत पे क्यारी बनाई हुई है, उसमें लगाए हुए हैं करेले वगैरह। ये लौकी की बेल है, ये यहाँ तक आई है फ्रेंड्स। इन्हें अंगूर की बेल भी लगी है इनके नीचे है अभी, देखिए। ये हमारे घर की टंकी, ये छत पे है कमरा फ्रेंड्स। बाकी जब हम नीचे थे जहाँ, वो तो मैंने दिखाया ही था हमने जहाँ नीचे थे। वहाँ देखिए छत पे लोग अपने खड़े हैं, ये कितना अच्छा नज़ारा है। मैं तो घर से बाहर निकली नहीं फ्रेंड्स, देखिए अभी भी यहाँ ऐसी ही भीड़ है, आप देख रहे हो इतनी भीड़ यहाँ रहती ही रहती है। शहर के लोगों की ज़िंदगी ऐसी होती है फ्रेंड्स, पी पी पाँ पाँ बजता ही रहता है यहाँ, मतलब बहुत बुरा हाल है।
वो सारी सामने मार्केट है,